अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम कराची टुडे और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान। हमेशा सिंध पुलिस के हवाले से बात की जाती है लेकिन तनकीद का निशाना बनाया जाता है, गफलत बरतने पर बनाया जाता है। लेकिन यहां पर देखते हैं कि सिंध हुकूमत की जानिब से या फिर वफाकी हुकूमत की जानिब से जब बात करते हैं हम इदारों की बेहतरी के लिए तो हुकूमतें कोशा नजर आती हैं। इसी पराए में एक और डेवलपमेंट सामने आई है, अगर बात कर ली जाए कराची पुलिस के हवाले से तो यहाँ पर छोटे हथियारों का इस्तेमाल दोबारा से हम देखते हैं कि पुलिस की जानिब से इस पर गौर किया जा रहा है और राइफल्स की अगर बात की जाए तो उसको रिप्लेस किया जा रहा है पिस्टल्स से और जदीद असले की इस वक्त हम देखते हैं कि पुलिस को भी वो असले से लेस किया जा रहा है। क्या मामलात हैं, क्या मामलात नहीं है, क्या बेहतरी होनी चाहिए, इन तमाम चीज़ों पर बात करेंगे। अगर आई जी सिंध की बात कर ली जाए तो सेपरा रूल्स के मुताबिक ये दरख्वास्त भी दी गई थी कि सेपरा रूल्स की छूट के लिए सिंध काबिना को फाइल भेज दी गई थी आईजी सिंध की जानिब से, उस पर क्या डेवलपमेंट हुई है, तमाम चीजों पर आज बात करेंगे इस सेगमेंट के अंदर। हमारे साथ इस वक्त चीफ रिपोर्टर K21 न्यूज ऑन कॉल मौजूद है असद जैदी। असद, जानना चाहूंगा कराची पुलिस के लिए इस वक्त छोटे असले की फरामी का सिलसिला जारी है, मामला है क्या? जी देखिए बिलाल, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो कराची पुलिस को जरूरत थी गलियों में और बाजारों में डाकुओं से, डकैतों से, चोरों से लड़ने के लिए उस असले की जो वो आसानी से मोटरसाइकिल पर कैरी कर सके, क्योंकि जब भी इनकी ड्यूटी लगाई जाती है किसी गुंजान आबाद इलाके में जहां पर रश ज्यादा होता है या बाजारों में, तो फिर वहां पर बड़ा असला यानी कलाशन या बड़ा वेपन कैरी करना निस्बतन मुश्किल होता है, जबकि छोटे वेपन को कैरी करना आसान होता है। और इसी मद में 2019 में भी कराची पुलिस 15,000 के करीब छोटे पिस्टल जिसमें ST9 जो कि तुर्की से इंपोर्ट किए गए थे और वो मंगाए थे और उसके बाद वो दिए थे, हर थाने की सतह पर इक्वली डिवाइड कर दिए गए थे। इसी तनाजर में हमने देखा कि जब भी कोई बड़ा मुकाबला हुआ डाकुओं से तो पुलिस के बड़े वेपन की वजह से शहरी भी उसका निशाना बने और फिर इसके निस्बत के डाकुओं से लड़ते शहरी जो है अपने ही फोर्सेस की गोलियों का निशाना बने और फिर हमने देखा कि बड़े फैसले सामने और एक बार फिर कराची पर रहम आ गया हुकूमत को और इसके लिए डिसाइड किया गया सिंध पुलिस की जानिब से एडिशनल आईजी कराची और आईजी सिंध की तरफ से एक रिक्वेजिशन भेजी गई और रिक्वेस्ट की गई कि कराची में 7,000 के करीब छोटा असला यानी के 9 mm एक बार फिर से इम्पोर्ट की जाए। उसके लिए जरूरी था कि इंपोर्ट करने के लिए सेपरा रूल्स की छूट दी जाए ताकि टैक्स की मद में जो अमाउंट दी जाती है, जो रकम दी जाती है उसमें भी कुछ कमी हो। और इसी तनाजर में एक रिक्वेजिशन रिक्वेस्ट भेजी गई सिंध असेंबली में जिसे सिंध असेंबली ने पास कर दिया और उसके बाद तकरीबन 62 करोड़ रुपए की लागत से 7,000 के करीब पिस्टल 9 mm बैरल के खरीदे जा रहे हैं तुर्की से और फिर जब ये पिस्टल पाकिस्तान में आ जाएंगे तो औसतन इसकी जो कीमत होगी वो 90,000 यानी कि 89,000 के करीब एक पिस्टल की कॉस्ट पड़ेगी। और हमारे पास कराची में तकरीबन इस वक्त 45,000 से 55,000 जो पुलिस के एहलकार हैं वो तैनात हैं मुख्तलिफ उसके, लेकिन जो रोड्स पे थानों में हमें दिखाई देते हैं वो तकरीबन 40,000 से 45,000 पुलिस एहलकार हैं जो कि सड़कों पर हमें दिखाई देते हैं पूरे कराची में। तो इसी तरह जो 15,000 के करीब पहले पिस्टल आई वेपन मंगाया गया और उसके बाद जो 7,000 अब मंगाया जा रहा है फिलहाल, तो ये तकरीबन 22,000 के करीब छोटा असला होगा जो कि कराची पुलिस के पास होगा और वो आसानी से गलियों में बाजारों में मुकाबला कर सकेंगे चोरों डकैतों। ठीक है असद, अगर बात की जाए छोटे असले की का सिलसिला जारी है कराची पुलिस को देने के लिए, जो सड़कों पर गश्त करते हैं, पिकटिंग लगाते हैं, स्नैप चेकिंग करते नजर आते हैं, कितना इस मंसूबे पर लागत आ रही है? देखिए जो अभी जो खरीदारी की जा रही है वो 62 करोड़ रुपए से ज्यादा की खरीदारी है जो इस वक्त की जा रही है। इससे पहले भी जो असला खरीदा गया वो भी बाहर से इंपोर्ट किया गया था। इसमें सबसे अहम बात यह है कि ये जितना भी असला आता है ये एग्जामिन होता है फिलहाल और ये एग्जामिन होता है हमारे पास पाकिस्तान की सबसे बड़ी फैक्ट्री जो पाकिस्तान की अपनी फैक्ट्री है वाकेंट, और वहां पर इसको एग्जामिन करके फिर इसके ऊपर TRF की भी एक स्टैंप लगती है और इसके साथ जो एम्युनिशन दिया जाता है, जो गोलियां दी जाती है वो हमारे अपने पाकिस्तान की बनी हुई गोलियां है
जो बेहतरीन तौर पे बनाई जा रही है पाकिस्तान में, जिसकी अपनी मिसाल कहीं नहीं मिलती, और बाहर के ममालिक भी उन चीजों को अपने वेपन में इस्तेमाल करना पसंद करते हैं। और इसी तरीके से 9mm जो इस वक्त पिस्टल पहले मंगाए गए और अब जो इंपोर्ट किए जा रहे हैं, इनके अंदर भी वही जो है एम्युनिशन, वही गोली इस्तेमाल की जाएगी 9mm की, जो पाकिस्तान की अपनी बनाई हुई CUF की वाक एंड में जो बन रही है वो गोली इसमें इस्तेमाल होगी। तो इसलिए से पिस्टल की जो कॉस्ट है, जो 7000 वेपन मंगाया जा रहा है 9mm बैरल का, उसकी कॉस्ट तकरीबन 62 करोड़ रुपए से जायद है फिलहाल। ठीक है, तो फिर हम ये कब तक मंसूबा मुकम्मल होता देखेंगे कि कलाशनकोफ की जगह हम 9mm या फिर दीगर छोटे जो हथियार हैं वो पुलिस एहलकारों के पास होंगे? जी देखिए, 2022 में ही इसकी तकमील करनी है और इसके लिए जो एक रिक्वेस्ट आईजी सिंह की तरफ से सेप्टर रूल्स की छूट के लिए दी गई थी वो मंजूर कर ली गई है सिंध असेंबली की तरफ से, और उनको वापस जो उनकी रिक्वेस्ट पे रिक्वेजिशन थी वो सिंध असेंबली ने पास कर दी है। तो 2022 में आप देखेंगे कि ये जो हथियार है पाकिस्तान में आने के बाद हमें नजर आएगा कि ये हथियार फिर उसी तरीके से हर थाने में इक्वली डिवाइड किए जाएंगे। जब ये वेपन किसी को दिया जाता है तो बिलाल उसकी भी बाकायदा उसी तरह एंट्री की जाती है जिस तरीके से कलाशनकोफ की, या वो जो असला जो नॉर्मली 8 से 8 बजे जो चेंज होता है, जो स्टाफ चेंज होता है, ड्यूटी चेंज होती है, तो तब उनके वेपन ले लिए जाते हैं और दोबारा मालखाने से इश्यू किया जाता है। इसी तरीके से इनको भी पहले भी यही होता है कि जमा हो जाते हैं और फिर इश्यू होते हैं, और एक बार फिर जो है वो जमा कर लिए जाएंगे और फिर इश्यू होंगे 8 से 8 जो ड्यूटी चेंज होने का टाइम है उस वक्त। इसी के साथ साथ बिलाल मैं आपको ये भी बताता चलूं, जहां पर सिंध में या कराची में इतनी बड़ी तादाद में ये 9mm मंगाए जा रहे हैं, वहां पर अगर मैं इस बात को कतई नजर के बड़ा वेपन क्या कराची में नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन अगर हम देखें SSU को, तो जो हमें SSU की कमान हम हमेशा बात करते हैं कि DIG मसूद मेमन का विजन SSU को लेकर बहुत ज्यादा बड़ा विजन है, और उसके तनाजर में हमने देखा कि जहां पर एक बेहतरीन फोर्स बनाई गई जो कि पूरे पाकिस्तान में जाती है स्पेशली सिक्योरिटी प्रोवाइड करने के लिए जो भी VVIPs होते हैं उनको, और अभी भी हमने देखा कि बहुत सारे ऐसे इवेंट्स हुए जहां पर SSU की खिदमात दरकार थी और वो इस्लामाबाद से लेकर कराची और फिर जहां पे भी जरूरत थी VVIPs को जो प्रोटोकॉल सिक्योरिटी देते दिखाई दी, वहीं पे जो इनके पास असला है उसमें 19 इंच बैरल के साथ साथ 3 राउंड राइफलें हैं। और इसके साथ मैं आपको बताता चलूं कि SSU के पास नाइट विजन के साथ जो है वो 24.4 इंच बैरल की राइफल, स्नाइपर राइफल जो हम कहते हैं, जो कि बकायदा तौर पे लॉन्ग रेंज से फायर करने के लिए स्नाइपर राइफल्स कहलाती हैं, जो कि आप ऊंची बिल्डिंग्स पे और मखसूस बिल्डिंग्स पर दूर तक निशाना लेने के लिए करते हैं। तो इनके पास स्नाइपर राइफल और उनके साथ स्नाइपर ट्रेंड लोग मौजूद हैं जो दूर तक निशाना। ठीक है असद, अगर मवाजना किया जाए, स्पेशल सिक्योरिटी यूनिट के पास जो हथियार मौजूद हैं इस वक्त और खासतौर पर डिस्ट्रिक्ट पुलिस को अगर कंपेयर किया जाए तो कितना फर्क है? देखिए बिलाल, अगर आप डिस्ट्रिक्ट पुलिस को कंपेयर करेंगे और SSU को करेंगे तो उसमें तो जमीन आसमान का फर्क है। अगर आप SSU को देखेंगे तो उनकी ट्रेनिंग पैरामिलिट्री फोर्स के तौर पर की जाती है, जबकि पुलिस की ट्रेनिंग उस तरह नहीं की जाती। पहले अब जो भी ट्रेनिंग की जाती है ये तकरीबन जो SSU की ट्रेनिंग है वो समझ लेगी कमांडोज की जो ट्रेनिंग है और पुलिस की ट्रेनिंग में फर्क है। पहले होता था जिस तरह पंजाब में होता है कि एलीट की ट्रेनिंग की जाती है, लेकिन एलीट भी उस कैटेगरी पे लाई नहीं करती जिस पे SSU करती है। तो उसी हिसाब से SSU के जो वेपन है, SSU के जो कमांडोज है, मैं उनको कमांडोज इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि उसकी ट्रेनिंग ही कमांडोज के अंदाज में की जाती है, नॉर्मल पुलिस के अंदाज में। तो SSU की ट्रेनिंग में और SSU के वेपन्स में और नॉर्मल जो ऑपरेशनल पुलिस जो कराची या और किसी भी सूबे में या सूबे के और शहरों में तैनात है, उनके जो वेपन है वो रिवायती हैं, और रिवायती हथियारों में और स्पेशल वेपन्स में फर्क है। और SSU के पास स्पेशल वेपन्स है, जिस तरह मैंने आपको बताया कि स्नाइपर्स हैं और रात को दूर तक मार करने वाली भी वेपन है जिसमें स्पेशल टेलीस्कोप्स लगी हुई है जो कि रात को अंधेरे में भी दुश्मन को देखने के लिए, दूर तक देखने के लिए स्पेशली मनाई गई और पूरे असले से लैस है। अगर ये कहा जाए कि SSU पूरा एक कंप्लीट पैकेज है कि इसीलिए उनको जिम्मेदारी दी जाती है कि VVIPs की सिक्योरिटी, SSU और उसके बाद पैरामिलिट्री फोर्सेज और फिर मिलिट्री फोर्सेज
ठीक है असद, अगर हम हमेशा बात करते हैं पुलिस पर जो उनकी जानिब से गफलत बरती जाती है, मिसकंडक्ट होता दिखाई देता है, मिस बिहेव करते नजर आते हैं, तो हम उस पर क्रिटिसाइज भी करते हैं, प्रोग्राम्स भी करते हैं, लेकिन आज मैं समझता हूँ कि इस मौजू को भी उजागर करना इंतहाई जरूरी है कि पुलिस फैसिलिटीज कितनी जो है वो इस वक्त शिकायत मौसूल होती हैं पुलिस कांस्टेबल्स की जानिब से, एहलकारों की जानिब से, ऑफिसर्स की जानिब से, किन किन फैसिलिटीज को अभी तक नहीं दिया गया है सिंध पुलिस में? देखिए बिलाल, सबसे पहले तो सिंध पुलिस के अंदर एक महकमा जो बहुत ही अहम है और हमेशा हम इस पर बात करते हैं कि मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट जो इनका है, जिसके पास जिम्मेदारी है कि वो तमाम जो व्हीकल्स हर थाने की, चाहे वो मोटर एमटी डिपार्टमेंट जिसको नॉर्मली कहा जाता है, वो मोटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट जो इनका है, उसके अंदर उनकी जिम्मेदारी है कि तमाम व्हीकल्स को एग्जामिन करें। एग्जामिन करने के बाद उन व्हीकल्स के अंदर जो भी काम है उसका एक मखसूस बजट जाता है हर डिस्ट्रिक्ट में, उस बजट को यूटिलाइज करते हुए गाड़ियों की मेंटेनेंस करें। तो अब जो सबसे बड़ी शिकायत है कि ना आपके पास मोटरसाइकिल्स प्रॉपर अवेलेबल है, ना उनकी मेंटेनेंस अवेलेबल है कि लोग जो है वो जाए। और फिर दूसरी सबसे अहम बात मोबाइल है, जितनी मोबाइल्स यहाँ पर इस वक्त सर्कुलेट करती है कराची शहर के हर थाने से, उसमें कोई प्रॉपर मेंटेनेंस नहीं है, जबकि एक बजट एलोकेट किया जाता है। इसके ऊपर खसूसी तवज्जो देने की जरूरत है। और सबसे ज्यादा शिकायत भी इसी की है कि जी अगर टायर नहीं कोई चेंज कराता, जी वो ब्रेक फेल हो जाते तो कोई नहीं करता। तो जब किसी चीज को आप मेंटेन नहीं करेंगे तो वो रफ्ता रफ्ता फिर वो इतना काम निकाल लेते हैं कि हम आपको आने वाले आपके प्रोग्रामों में हम आपको बकायदा दिखाएंगे कि कराची के किस थाने में कितनी मोबाइल खराब हालत में करके खड़ी कर दी गई, ठीक है, रिपेयरेबल मेंटेनेबल भी नहीं। तो इसके ऊपर सबसे ज्यादा शिकायत की जाती है। और फिर दूसरा यही हथियारों की कमी, क्योंकि जब तक ड्यूटी चेंज नहीं होती और ड्यूटी चेंज होने के बाद भी असला जमा होकर असला नहीं दोबारा इश्यू किया जाता, तो तब तक ये प्रॉब्लम रहती है। और फिर उसके लिए अच्छा हम ये देखते हैं कि जो पुलिस एहलकार हैं बड़ी मेहनत से, जोश और जज्बे के साथ फराइज सर अंजाम देते नजर आते हैं। बहुत सारे ऐसे पुलिस कांस्टेबल्स की बात कर लूं, ऑफिसर्स की बात कर लूं, जो इस वक्त सिंध पुलिस में मौजूद हैं, जिनको अप्रिशिएट करना इंतहाई जरूरी है। क्या लगता है कि जब ये फैसिलिटीज का फुकदान होता है, कहीं पर बुलेट प्रूफ जैकेट्स मौजूद नहीं है, कहीं पर जदीद असलाह मौजूद नहीं है, उसके बावजूद भी ये रातों को गश्त करते नजर आते हैं, मुलजिमान को, चोरों को, डकैतों को पकड़ते नजर आते हैं, तो क्या ये फुकदान उनकी मायूसी का बाइस बनता है? देखिए बिलाल, सबसे अहम बात तो ये है कि ये तमाम लोग जिनको हम जो है वो तनकीद का निशाना बनते देखते हैं, चाहे वो सिपाही से लेके कोई ऑफिसर ही क्यों ना हो, ये जान पहचानी से अपनी ड्यूटी करते हैं। जब इनके सामने कोई डकैत, चोर, कोई लुटेरा आता है तो ये सिर्फ एक चीज देखता है कि इन्होंने यूनिफॉर्म पहनी, और वो भी हमने माजी करीब में भी देखा कि बहुत से अभी एहलकार शहीद हुए और वो भी डकैतों की फायरिंग से। लेकिन बदकिस्मती से जब इनकी अपनी कोई बात आती है, इनको गैर हाजिरी पर डिसमिस किया जाता है, इनको वेपन नहीं इश्यू किया जाता, इनकी शिकायत की बात होती है, तो जिस तरह पहले एक अर्थली रूम हुआ करता था और अब उसकी बुनियाद दोबारा डीआईजी वेस्ट ने डाल दी, वो अर्थली रूम होना चाहिए ताकि जो इनकी शिकायत है वो आईटीआईजी अपनी सतह पर सुनकर और उसका हल करने की कोशिश करे, क्योंकि ये हमारे लिए रोडों पे खड़े होते हैं, अपने जान हथेली पे लेकर हर पाकिस्तान के शहरी के लिए खड़े होते हैं। तो जितनी हमारी जान कीमती है उतनी इनकी भी कीमती है, तो इनकी जानों की हिफाजत के लिए भी हमें आवाज उठानी। ठीक है, बहुत शुक्रिया ससदी, हमारे साथ मौजूद है। बात की जाए कराची पुलिस के हवाले से, तो पहले भी बात सुनाई थी कि छोटे हथियारों को देने का सिलसिला जारी था। एक बार फिर हम देखते हैं कि सेपरा रूल्स के अंदर कुछ छूट दी गई है, ये फाइल भिजवाई गई थी आईजी सिंह की जानिब से। अब देखना यह है कि ये मंसूबा जो 62 करोड़ रुपए की लागत से मुकम्मल होना है, कब तक मुकम्मल होगा और कराची पुलिस की कारकर्दगी में बेहतरी आएगी। वक्फा लेंगे यहाँ पर एक और स्टोरी, उसको भी शामिल करेंगे।